हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टाइम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू की बहुत ही स्वादिष्ट भुजिया। बहुत चटपटी सी अच्छी लगती है खाने में, आप जरूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे इसे। सबसे पहले यहाँ पर पैन को हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है, फिर लो फ्लेम पे करके इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा, एक काली वाली इलायची जो कि छोटे साइज में है। तो इतने इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ तीन बड़े साइज आलू के लिए। अगर आप 6 आलू ले रहे हैं तो डबल कर दे इंग्रेडिएंट को, या फिर जितने क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर आप मसालों को ले लें। इसे बहुत ही अच्छे से लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब इसे हम इस तरीके से दरदरा कूट लेंगे। तो इस तरीके से हमें दरदरा सा कूट लेना है। ये तैयार है मसाला, इसे करते हैं साइड। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने तीन आलू को, बड़े साइज के आलू है, छील कर इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया, अच्छे से वॉश करके रख लिया है। एक प्याज को, मीडियम साइज की प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब पैन में डालेंगे 1/4 कप सरसों वाली तेल, जो भी तेल लेना चाहें आप ले लें। तेल अच्छे से गर्म हो गई है। हाफ टी स्पून जीरा डाला है मैंने, जीरा चटक जाएगी। इसमें डालेंगे प्याज कटी हुई और इसे हम अच्छे से 2 से 3 मिनट, जैसे ही कलर चेंज होने पर आएगी तब तक हम इसे इस तरीके से मिलाएंगे। कलर चेंज होने पर आएगी फटाफट से आलू डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च। चिली फ्लेक्स अगर आपके पास नहीं है तो घर में कैसी आसानी से 5 मिनट में हम चिली फ्लेक्स बहुत सही तैयार करके रख सकते हैं सिर्फ 5 रुपये में। तो इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी दिया है मैंने, आप जरूर चेक कर लें। तो इसकी मैंने अपलोड कर दी है वीडियो, आप जरूर चेक करें। यहाँ देखें इस तरीके से भूनते रहे, मतलब बीच बीच में चलाते रहेंगे। 8 से 10 मिनट लगेगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, और इस तरीके से आप इसे बिना ढके ही चलाते रहें। लगातार नहीं चलाना है, बीच बीच में बस आप चलाते रहें इस तरीके से, और बहुत अच्छे से ये फटाफट बन जाती है गाइस। तो यहाँ देखें अच्छे से कुक हो चुकी है। अब लास्ट मिनट में हम यहाँ पर डाल देंगे जो हमने मसाला तैयार करके रखा है, और इसे डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे और इस तरीके से मिलाएंगे अच्छे से, और ये बनकर तैयार है। तो बहुत ही फटाफट बनती है गैस, आप जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छी लगती है। रोटी पराठे चावल किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स कहां कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे गैस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके के और भी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।